मनावर क्षेत्र में हो रही अवैध चोरियां एवं अवैध शराब की कालाबाजारी को रोकने के लिए धार जिला पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें कि मनावर से कुछ रोज पहले विकास पिता देवराम पाटीदार भरणपुर का ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसमें फरार चल रहे आरोपी किशन निवासी खरबारी थाना तिरला जिला धार को गिरफ्तार किया है। अपराधी पर 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ था, जिसे मनावर पुलिस टीम द्वारा पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। दूसरा मामला अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध चल रही धरपकड़ कार्रवाई के अंतर्गत बीकानेर के चौकी प्रभारी नीरज कोचले को मुखबिर से सूचना मिली कि धर्मपुरी से बीकानेर की तरफ पिकअप वाहन शराब लेकर आ रही है। मनावर SDOP धीरज बब्बर और थाना प्रभारी कमलेश जी सिंगर के नेतृत्व में बीकानेर चौकी प्रभारी नीरज कोचले द्वारा टीम गठित कर वाहन को रोककर जांच करने पर विदेशी शराब की पेटियां बरामद हुई। वहीं एक आरोपी बालाजी पिता सीताराम मराठा निवासी ओमकारेश्वर जिला खंडवा को गिरफ्तार भी किया है। जब्त की गई शराब की पेटियां और वाहन की कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज सिंह साहब, एडिशनल SP श्री इंद्रजीत पाकलवर साहब के द्वारा संपत्ति संबंधी अपराध की रोकथाम के लिए एवं अवैध शराब जुआ सट्टा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जो है लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, टीम गठित की गई थी और इसी तारतम्य में महत्वपूर्ण सफलता थाना मनावर को लगी। इसमें विगत दिनों जो एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो चोरी गया था मनावर पुलिस के द्वारा इसमें जब्त किया गया। इसमें जो आरोपी जो फरार चल रहा था जिसका नाम किशन धुंधु है, ये 10,000 रुपये का इनामी है और ये पूर्व में भी जो है थाना तिरला से 307 395 तथा गुजरात के अमरेली से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस के द्वारा बड़ी मशक्कत से जो है गिरफ्तार किया गया। एक दूसरी सफलता अवैध शराब को लेकर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई। इसमें जो आरोपी है, आरोपी बालाजी मराठा, इसे पिकअप वाहन और पिकअप वाहन में करीब 39,40,000 रुपए मशरूका की जो है कुल मशरूका पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। इसमें 14 लाख की इसमें शराब थी और ये काफी महंगी शराब जो है पुलिस के द्वारा जब्त की गई और गिरफ्तार किया गया। ये पूरी जो कार्रवाई, इसमें हमारे थाना प्रभारी कमलेश सिंगार, चौकी प्रभारी उमरबन प्रकाश अलावा, चौकी प्रभारी बाकानेर नीरज कोचले, उप निरीक्षक राहुल चौहान, उप निरीक्षक दिलीप गढ़ेवाला, सहायक निरीक्षक राजेश छाड़ा, प्रधान आरक्षक बसंत, आरक्षक राहुल बांगर, लखन प्रीतम, सुरेश और जितेंद्र, इनका काफी सराहनीय योगदान है। जो आरोपी धुंधु है इसके पर 10,000 रुपए का इनाम पूर्व से घोषित था और ये फरार चल रहा था। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस के द्वारा जो है इन दिनों करीब 15 से 16 मोटर जो है विभिन्न आरोपी से जब्त की गई है और किसानों के जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी गया था पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा जो भी रिपोर्टें होती है गंभीरता से लेकर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई और संबंधित दिशा दिखाई गई। मनावर से फिरोज खान की ये रिपोर्ट।